आपके साथ निहारिका महेश्वरी, आपके प्रदेश की खबरों को लेकर। पहली खबर यह कि टिहरी गढ़वाल के एक स्कूल में बने शौचालय के गिरने से 8 साल की बच्ची की मौत हो गई है। घटना रणीहाट प्राइमेट स्कूल की है। हादसा तब हुआ जब क्षतिग्रस्त टॉयलेट की जमीन धस गई और दो बच्ची मलबे में दब गई। स्थानीय लोगों ने दोनों को मलबे से निकाला। एक की मौके पर मौत हो गई जबकि दूसरी बच्ची को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। प्राइमरी स्कूल उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री मंत्री प्रसाद नेथानी के विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है। स्थानीय लोगों के मुताबिक स्कूल की बिल्डिंग की हालत बहुत खराब है। बिल्डिंग किसी भी वक्त गिर सकती है लेकिन इसी जर्जर बिल्डिंग में पढ़ने को बच्चे मजबूर हैं। लोगों का कहना है कि स्थानीय विधायक और प्रदेश के शिक्षा मंत्री ने इस बारे में कई बार शिकायत उनसे की है स्थानीय लोगों ने, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई है इस मामले में। आज स्कूल में अचानक ऐसी घटना हो गई। कल यह कि कल दोबारा किसी भी स्कूल में ऐसी घटना न हो और किसी भी बच्चे के साथ ऐसे न हो। वो जब स्कूल में हल्ला मचा तब हम भाग भाग के गए वहाँ स्कूल में। वहाँ पे देखा कि मतलब बच्चे दबी हुई थी उसके अंदर। मैंने जैसे देखा मैं बेहोश हो गया। एक पुराना इन्होंने शौचालय बना रखा है जो कि लगभग 15-16 साल पहले बना हुआ बताया जा रहा है और 1.5 साल से उसमें ताला लगा हुआ था, यूज़ नहीं हो रहा था। इसके नीचे पिट है और खोखला है, इसके ऊपर एक बुनियाद के ऊपर से खड़ा किया गया था। आज एक बच्ची जो 8 साल की बच्ची है, अर्चना नाम उसका, जिसके साइड में शायद जा रही थी या खड़ी थी तो ये नीचे धस गया। धसने से उसको जो है ये इसके चपेट में आ गई और उसकी मृत्यु हुई है। एक घायल इसमें लड़की भी थी, एक की मृत्यु हुई है। कपिल पवार हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कपिल, तस्वीर जो है वो पहली बार नहीं ऐसी सामने आई है। बहुत ऐसे स्कूल हैं जिसमें करंट दौड़ रहा है, जिसकी बिल्डिंग कभी भी क्षतिग्रस्त हो सकती है। मैं आपसे जानना चाहूंगी इस पर विधायक जी से शिकायत के बावजूद भी उन्होंने कार्रवाई क्यों नहीं ली, अब जवाब दे रहे हैं वो कुछ? जी नहीं यार, मैं आपको बता दूं कि ये पूरा क्षेत्र है, ये जो प्रदेश के शिक्षा मंत्री है उनका विधानसभा क्षेत्र है और इस क्षेत्र में लगभग अगर सिर्फ कीर्ति नगर की बात करूं तो 21 से ज्यादा ऐसे स्कूल है जो उस लिस्ट में है जो क्षतिग्रस्त स्कूल की लिस्ट है और वहीं पे ये हादसा हुआ। आज स्कूल का जो भवन है काफी जर्जर स्थिति में है और अगर वहां पर बड़ा हादसा भी हो सकता था अगर स्कूल की बिल्डिंग गिरती, लेकिन शौचालय जो गिरा है उसमें दो बच्चे आज घायल हैं। लोगों में काफी आक्रोश है। जो आसपास के अन्य स्कूल भी है वहाँ पर भी इसी तरह की स्थिति है और जो लोगों का कहना है वो उनका साफ कहना है कि वो कई बार शिकायत कर चुके हैं, जो स्थानीय प्रशासन है उससे भी कई बार शिकायत कर चुके हैं, लेकिन अब स्थिति जस की तस है। धन्यवाद जानकारी देने के लिए।